हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एसएससी ट्यूब पे। मैं दीपेन प्रताप सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हम अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ रहे थे, हमने स्क्वायर स्टार्ट किया था, ज्योमेट्री की सीरीज चल रही है। आ जाओ फटाफट सारे। गुड इवनिंग सभी को। आज थोड़े लेट हो गए, ठीक है। तो अब बिना देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट से। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी का स्वागत है। आओ फटाफट सॉल्व करें इस सवाल को। थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स महेश का आंसर आ रहा है, 31.36। चलो अच्छी बात है। हाँ यार, मैं तो लॉकडाउन से पहले भी मोटा ही था। चलो बताओ इस सवाल का आंसर। ये सवाल आपको दिख रहा है, इसका सॉल्व करके बताओ फटाफट से। अभी मैंने स्क्वायर के एरिया वाले सवाल नहीं लिए, वो एरिया वाले सवाल हम मेंसुरेशन में करेंगे, अदरवाइज फिर मेंसुरेशन में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो अभी जितने भी ज्योमेट्री के सवाल थे, एरिया वाले हमने ज़्यादातर सवाल देखो जो एरिया वाले थे, यहाँ पर भी अगर हमें मिलेंगे तो उनको छोड़ देंगे, उनको करेंगे मेंसुरेशन में, ठीक है। क्योंकि जब सिमिलरिटी हम पढ़ रहे थे तो बहुत सारे सवाल जो स्क्वायर के थे वो हमने सिमिलरिटी में पहले से कर लिए हैं, ठीक है। तो कुछ सवाल जो दोबारा मिलेंगे हम उनको स्किप करते जाएंगे, ठीक है। आज स्क्वायर ख़त्म करना है, ठीक। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं आज की क्लास में, मतलब जब एक आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा आज की क्लास में, ठीक है। इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से। ये आप जानते हो कि एक बहुत ही फेमस सवाल है, 2017 के मेंस का है ना, 2017 के मेंस का क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करो फटाफट से, इसका आंसर क्या आएगा। महेश सूर्यवंशी ने आंसर दिया है 31.36, जो कि सही आंसर नहीं है। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके बताओ फटाफट से। कह रहा है दिए गए आकृति में एक वृत्त की त्रिज्या 14√2 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है, और ई एफ जी एच ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एल एम एन ओ चार एक समान वर्ग हैं, सभी छोटे वर्गों का कुल क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बने हैं ना, अगर आपको ये दिख रहा हो यहाँ पे, तो देखो एल एम एन ओ, इसके बाद ई एफ जी एच, इसके बाद एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इसके बाद ए बी सी डी, ये चार अपने पास स्क्वायर दे रखे हैं, ये आइडेंटिकल स्क्वायर हैं, ठीक है। तो इनका आपको एरिया बताना है, एरिया कितना होगा, और एक स्क्वायर अपने पास ये है पी क्यू आर और एस, ठीक है। और हमें दे रखा है वृत्त की त्रिज्या कितनी है अपने पास, 14√2 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या अपने पास कितनी है, 14√2 सेंटीमीटर, ठीक। बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शंस आपके पास है 31.36, 125.44, 62.72, 156.8। तो देखो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये हालांकि देखो, अगर इस सवाल ऐसा सवाल आपको पेपर में दोबारा मिले तो एक बार इस सवाल में फंसना मत, ठीक है। क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने लगे आप तो बहुत बुरे फंस जाओगे, ठीक है। देखो अगर ये अपने पास चार स्क्वायर हैं, है ना, ये अपने पास चार स्क्वायर हैं, तो इनके एरिया की अगर हम बात करेंगे तो जो इनका एरिया होगा वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अगर एक स्क्वायर के एरिया की बात करते हैं हम, तो वो भी क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब अगर आप देखोगे तो किसी भी स्क्वायर के लास्ट के दो टर्म 72 नहीं हो सकते हैं, किसी भी स्क्वायर के लास्ट के दो टर्म 72 नहीं हो सकते हैं, तो ये तो अपना आंसर पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पर 68 है तो 68 ये तो वैसे भी डेसिमल में एक है, तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है तो कम से कम दो डिजिट बाद क्या होना चाहिए अपने पास, इसका क्या होना चाहिए, यहाँ पर डेसिमल लगना चाहिए था 1568, तो फिर भी हम सोच सकते थे कि ये स्क्वायर होगा किसी का, लेकिन ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है, ठीक है। अब अपना ऑप्शन कौन सा बचा, 31.36 और 125.44, ठीक है। तो अगर मुझे तुक्का लगाना होता तो मैं क्या लगाता कि अगर देखोगे आप तो इनकी जो हमें रेडियस दे रखी है सर्कल की, वो है अपने पास, सर्कल की रेडियस अपने पास कितनी है, 14√2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 28√2, है ना। अगर रेडियस अपने पास 14√2 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 28√2। इसका मतलब इस स्क्वायर की साइड अपने पास कितनी आ जाएगी, इस स्क्वायर की साइड अपने पास कितनी आ जाएगी, या हम स्क्वायर की साइड को देखें या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है।
डायमीटर ना बनाए, अगर हम इसका सेंटर लिख लें, ठीक है, अगर मान लो इसका सेंटर है, ठीक, तो यहाँ से लेकर आप देखोगे, अगर अब इसको सॉल्व करना तो बहुत, मतलब बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने का, जल्दी कैसे करेंगे। अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो स्क्वायर की साइड है और ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर मैं कह सकता हूँ तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा मेरे पास, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगी। हेलो सतीश, ये हो जाएगा अपने पास 14√2, ठीक है। अब अगर रेडियस सर्कल की 14√2 है तो साइड क्या हो जाएगी, स्क्वायर की साइड हो जाएगी अपने पास 14 हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर हम देखें, ये 28 हो जाएगी, सॉरी, साइड कितनी हो जाएगी अपने पास 28 है ना, स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी अपने पास 28, ठीक। और अगर ये 28 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी इसकी इन रेडियस, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, इन रेडियस हो जाएगी। तो अगर मैं इस स्क्वायर की साइड को लगभग लगभग, क्योंकि ये बहुत दूर दूर ऑप्शन है, 31.36 और 125.44 बहुत दूर दूर ऑप्शन है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा हूँ 14√2 है, और मैं यहाँ से लेकर के ये, अगर ये देखोगे तो ये इन रेडियस हो गई इस स्क्वायर की, ये अपने पास 14 है, तो अगर हम 14√2 मान लो कि यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है, 14√2 में से अगर हम 14 हटा देंगे तो हमें जो छोटे छोटे स्क्वायर है उसकी साइड मिल जाएगी, साइड कितनी आ जाएगी अपने पास 14√2-1, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर ये स्क्वायर का एरिया है तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये दो ऑप्शन तो परफेक्ट स्क्वायर थे नहीं, तो इनको तो सही होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। फिर या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन क्या होगा मेरा, ए होगा। अब ये बहुत दूर दूर ऑप्शन है तो हम अप्रोक्सीमेशन इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, तो ये पूरा रेडियस मान लेते हैं, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये 14√2 रेडियस है, और अगर 14√2 रेडियस है तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। अगर साइड 28 हो गई तो इन रेडियस क्या होती है स्क्वायर की, अगर हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा अपने पास कितना, 14 हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना। तो अगर ये 14 है, पूरा 14√2 है, तो इसमें से घटा देंगे तो हमें साइड मिल जाएगी इस वाले स्क्वायर की, इन चारों ये आइडेंटिकल स्क्वायर है, इनकी साइड कितनी आ गई अपने पास 14√2-1। तो अगर हम √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414-1, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 14√2.414। तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 14 चौके 56, मतलब 5.6 आ जाएगी इसकी साइड, है ना, 5.6 क्या आ जाएगी इसकी साइड आ जाएगी। अगर 5.6 साइड है अपने पास तो एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, एरिया कितना हो जाएगा 5.6 का स्क्वायर इंटू, ऐसे कितने हैं, 4 हैं। अगर आप देखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर हम कुछ भी सॉल्व नहीं करते हैं तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 100 से ज़्यादा आने वाला है, 31.36 तो नहीं आएगा, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है कितना, 125.44, ठीक है। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए, ये नहीं कि लग गए वहां पर सॉल्व करने के लिए और पूरा सॉल्व करने लगे, ठीक है, यहां पर हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। आंसर कितना आएगा इस सवाल का, बी आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट से, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। जितने भी सवाल होंगे आज किसी ना किसी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर होंगे, ठीक है। इसमें इसको सॉल्व करके बताओ, कह रहा है कि पॉइंट ई एफ जी एच लाई ऑन द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, इफ ई एफ जी एच इज ऑल्सो ए स्क्वायर हुज एरिया इज 62.5% ऑफ दैट ऑफ ए बी सी डी एंड सी जी इज लॉन्गर देन ई बी, देन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ई बी टू दैट ऑफ सी जी इज। तो हमें ई बी, ई से लेके बी तक और सी से लेके जी तक का अनुपात बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ई बी इज टू ई जी, ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। हिंदी में कह रहा है कि वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए पर क्रमशः बिंदु ई एफ जी और एच है, यदि ई एफ जी एच भी एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए बी सी डी के क्षेत्रफल का 62.5% है और भुजा सी जी भुजा ई बी से लंबी है, तब ई बी और सी जी की लंबाई का अनुपात क्या होगा। एक बार मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, ठीक है, फिर आप इसको, आप तो सॉल्व कर ही रहे होगे, ठीक है। ये अपना स्क्वायर की ये साइड लहरा गई, इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं।
बताओ क्या आंसर आएगा इस सवाल का। बहुत बढ़िया सवाल है। तो ए, इसको बोल लेते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। और क्या रहा है कि ए बी सी डी पर ई एफ जी एच इस तरीके से है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ई एफ जी एच भी स्क्वायर है। सी जी इज लॉन्गर देन ई बी, तो ए बी पर कौन सा है, ई है, यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा और यहाँ पर एच हो जाएगा, ठीक है। इसको, इनको अगर हम मिला दें, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको हमने इससे मिला दिया, तो कह रहा है कि ये भी एक क्या बनेगा अपने पास, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये भी अपने पास स्क्वायर बना, ई एफ जी एच भी अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है। ए बी सी डी एक वर्ग है, ई एफ जी एच स्क्वायर है, जिसका एरिया 62.5% है ए बी सी डी का। अगर कह रहे हैं सी जी, जो सी जी है वो बड़ा हो ई बी से, तो आपको बताना है कि इसी ई बी और सी जी का एरिया रेशियो क्या होगा, बताओ फटाफट से। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। हमें क्या दिया है, हमें यह दिया है कि जो ई एफ जी एच का एरिया है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है, जगह अपने पास थोड़ी सी कम होती है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच अपॉन, यहाँ पर हम देखें तो एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो अगर हम ए बी सी डी का एरिया 100 मानते हैं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा अपने पास, 62.5 आ जाएगा, ठीक है, 62.5 आ जाएगा। विपिन कुमार का आंसर आया सी, सी आंसर नहीं आएगा। ई एफ जी एच अपने पास 62.5 है, आकाश का आंसर डी आया, डी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब दो ऑप्शन गलत हो गए, दो ही बचे। तो एरिया ऑफ ई एफ जी एच अपने पास 62.5 आया, एरिया ऑफ ए बी सी डी अपने पास कितना आ गया, डी गलत है, ए बी सी डी कितना आ गया, 100 आ गया। तो अगर ये स्क्वायर हैं, तो इनकी साइड का रेशियो, अगर ये एरिया का रेशियो है, तो इनकी साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, इनकी साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट के अंदर 100 और रूट के अंदर कितना, 62.5। ना तो सी आंसर है ना डी आंसर है, चलो बताओ। तो इसकी साइड हो जाएगी अपने पास रूट के अंदर 62.5 और ये कितना हो जाएगा अपने पास, 10। मतलब ये जो स्क्वायर है, इसकी साइड कितनी आ गई अपने पास, 10, अगर एरिया हमने 100 मान लिया है तो, ठीक है। ये अपने पास इसकी साइड कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब दो ऑप्शन बचे हैं, 50-50 हो गया, ठीक है। गुड इवनिंग आकाश, ये अपने पास 10 है। देखो समझो इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है। और इसकी साइड अपने पास, ये जो अंदर स्क्वायर बना है, इसकी साइड कितनी है अपने पास रूट के अंदर, ये अपने पास रूट के अंदर 62.5, कोई भी लिख लो, ये अपने पास रूट 62.5 है, ठीक है। अब आप देखोगे, अब आप ध्यान से देखना, ये 90 है अपने पास, ठीक है, ये 90 है। अगर इसको मैं थीटा मानता हूँ, ये भी स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा फिर, ये बचेगा अपने पास 90 माइनस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है ना। तो ये थीटा थीटा कट जाएगा, तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, थीटा आ जाएगा। ये अपने पास कितना है, 90 माइनस थीटा। आप देखो यहाँ पर कितना अच्छा कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा, ये सॉरी, ये 90 माइनस थीटा नहीं, ये 90 है ना, स्क्वायर का एंगल है तो 90 होगा, ये स्क्वायर का एंगल है, तो कितना हो जाएगा अपने पास, 90 हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब आप देखोगे इन सभी ट्राइंगल में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 90 है, यहाँ से 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे समझ में आए, ठीक है। ये 90 है, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा। आप इन सभी में देखोगे, ये जो ट्राइंगल हैं, चार ट्राइंगल बन रहे हैं, एच ए ई ई बी एफ एफ सी जी और जी डी एच, है ना। इन सभी ट्राइंगल में सारे एंगल देखो, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, और इसके सामने वाली साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, ठीक है। तो डबल ए एस से, डबल ए एस से ये ट्राइंगल, ये चारों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये चारों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। ये चारों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, समझ गए, कैसे कॉन्ग्रेंट हो गए। ये साइड बराबर है,
और एंगल तो तीनों बराबर है, कोई भी दो एंगल ले लो, एक साइड ले लो, तो डबल ए एस से ये चारों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में आप देखोगे इनकी साइड बराबर हो जाएगी, तो अगर हम इसमें थीटा के सामने की साइड को एक्स लिखते हैं, तो इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड एक्स हो जाएगी, इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड एक्स हो जाएगी, और इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। इक्वल एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो अगर ये एक्स है तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, टेन माइनस एक्स आ जाएगा। तो अगर इसमें 90 माइनस थीटा के सामने 10 माइनस एक्स है और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी 10 माइनस एक्स आएगा, ये भी 10 माइनस एक्स आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा अपने पास, 10 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब आप किसी भी ट्राइंगल में देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे किसी भी ट्राइंगल में, अगर मैं ट्राइंगल कोई सा भी ले लूँ, ए एच ई, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप देखोगे ए एच ई, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 62.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना 20x इज इक्वल टू कितना 62.5। तो आप जानते हो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x² माइनस 20x, और ये इधर आएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास, प्लस 37.5 इज इक्वल टू 0। अब 37.5 × 2 कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास कितना 75, है ना, 74 1 75। 75 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ठीक है, जिनको जोड़ने घटाने पर कितना हो जाए, -20 बने तो कितना हो जाएगा, 15 × 5, है ना, 15 और 5 दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि जोड़ने पर -20 चाहिए, गुणा करने पर प्लस का 75 चाहिए। ठीक है, तो हमें इनको क्या करना पड़ेगा, एक्स की एक वैल्यू आएगी, दोनों पॉजिटिव आएंगे, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना, जो मैं कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक वैल्यू होगी 7.5 और एक वैल्यू कितनी होगी अपनी 2.5। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्राइंगल है वो ये कॉन्ग्रेंट बनेंगे। ये तो मुझे समझाने में आपको टाइम लग गया, अगर आपको पता था कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बनेंगे तो ये सवाल फिर आपका 10 सेकंड का था। आपको बस इस सवाल में ये पता होना चाहिए था कि ये 10 है, ये एक्स है, तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा। किसी भी ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, आपको एक्स मिल जाता। अब एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है अपने पास एक्स आ रहा है एक 2.5, और एक आ रहा है अपने पास 7.5। लेकिन क्योंकि कह रहा था कि सी जी ई वी से बड़ा है, सी जी ई वी से बड़ा है, इसलिए ये अपना होना चाहिए 7.5। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए अपना 2.5। ठीक है, एक्स अपना कितना होना चाहिए 2.5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 7.5। ठीक है, क्योंकि ई जी सी जी से बड़ा था, तो रेशियो क्या हो गया मेरे पास, हमें ई बी अपने पास 2.5 आया और ये अपने पास 7.5 है, तो रेशियो कितना हो गया अपने पास, 1:3 हो गया। ये सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अगर आपको पता था तो ये सवाल आप कर पाते, अगर ये नहीं पता था तो फिर ये सवाल छोड़ना पड़ता आपको एग्जाम में। ठीक है, और यही वो सवाल हैं जो आपको मेरिट में लाते हैं। ठीक है, और ये वो सवाल नहीं कर पाएंगे जो इनने पहली बार ये सवाल देखा होगा। ठीक है, देखो इसमें देख लो, कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, देखो इतना अगर आपको पता है कि ये 62.5%, अगर हम बड़े वाले स्क्वायर का एरिया 100 मान लेंगे तो इसका 62.5 हो जाएगा। तो अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो कितना आ जाएगा, 10:62.5, है ना। तो इसके लिए ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे तो समझाना है तो मुझे तो हर एक चीज़ लिखनी है ना। तो हमें बड़े वाले स्क्वायर की साइड 10 मिल गई, तो आपको लग रहा होगा कि सर टाइम लग रहा, ये 10 हो गई है ना, और छोटे वाले स्क्वायर की साइड कितनी होगी अपने पास, 62.5। फिर ये ट्राइंगल हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट है, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो इनकी साइड आपस में क्या होगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो हमने साइड क्या लग ली, बराबर रख ली। ठीक है, और फिर लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें मिल गया इसका, एक्स की वैल्यू 2.5 लेंगे हम यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये सी जी क्या है, ई बी से बड़ा है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, इस एक्स से बड़ी है। ठीक है, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमें, 2.5, तो ये सी जी कितना हो जाएगा अपने पास, 10.5। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आएगा अपने पास, 1:3 आएगा। आज ऐसे सवाल करेंगे जिनसे आपका मतलब लगे कि हाँ आज कुछ पढ़ा है हमने, ऐसा लगे कि आज हमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सवाल ही बन सकते हैं ज्योमेट्री में। ठीक, इसमें देख लो कोई डाउट है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करो।
कह रहा है इन ए स्क्वायर ए बी सी डी पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑन ए डी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली सच दैट पी बी इज 12, पी बी इज 12, पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर एंड बी क्यू इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी की साइड आपको बतानी है, स्क्वायर है ए बी सी डी, उसकी साइड कितनी होगी आपको ये बताना है। बताओ फटाफट से। इस सवाल को सॉल्व करके बताओ। अपना लेवल रखो 2017 के मेंस का, ठीक है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। नौकरी देखो हमें चाहिए, एग्जामिनर को नहीं चाहिए नौकरी, ठीक है। तो हमें हर तरीके से पढ़ना है, ठीक, मतलब सरल सवाल, ऐसा नहीं कि सारे कठिन कठिन लगाएं, सरल सवाल भी लगाएं, ऐसा नहीं कि हम कठिन लगाते ही रह गए और सरल वाले तो हम लगा ही नहीं पाए एग्जाम में, ठीक है। तो उन सवालों को भी आना चाहिए, मतलब अगर वो सवाल हमें दिखते हैं एग्जाम में तो बिल्कुल जल्दी हो जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो ऐसे सवाल आते हैं, और आप देखोगे आपके सामने एग्जाम्पल है 2017 का जो मेन्स आया था, तो कोई नहीं कह सकता कि कैसा पेपर आएगा, ठीक है। तो हमें बहुत कठिन भी नहीं पढ़ना है और बहुत सरल नहीं, हमें दोनों तरीका, मतलब दोनों का बैलेंस लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। नमस्कार भाई लक्ष्मण, इसका आंसर बताओ, किसी का आंसर आया इसका? एक अपने पास स्क्वायर है, अगर आपको याद हो तो जब हम पढ़ रहे थे साइन रूल या कोसाइन रूल, तब मैंने इस तरीके का सवाल आपको कराया है। एक अपने पास स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी और डी, कह रहे कि पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स ऑन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर पी है और यहाँ पर अपने पास Q है, P और Q दो पॉइंट है अपने पास AD और CD पर, ठीक है, सच दैट PB, तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा, ठीक है। PB अपने पास कितना है, PB अपने पास है 12, इसके बाद अपने पास PQ, PQ कितना है अपने पास 5 है, ठीक है, PQ अपने पास कितना है 5 है, और फिर अपने पास BQ कितना है, B से लेके Q तक कितना है अपने पास 13 है। कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, तो हमें इस स्क्वायर ए बी सी डी की साइड बतानी है कितनी होगी, बताओ फटाफट, स्क्वायर ए बी सी डी की साइड बतानी है कितनी होगी। देखो बिल्कुल डरना नहीं है इस सवाल में, ये 90 है, ये 90 है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये सारी साइड आपस में बराबर हो गई क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। ये एंगल भी 90 हो जाएगा और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा अपने पास 90 हो जाएगा, ठीक है। किसी का आंसर नहीं आया, देखो देखते हैं इस सवाल को, ठीक है, ये दिमाग खोलने वाला सवाल है, ठीक है, ये क्या है, दिमाग खोलने वाला सवाल, ठीक है। देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हम क्या करेंगे इस सवाल को सबसे जल्दी सॉल्व करने का तरीका है, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल हमने एक्स मान लिया, ठीक है, ये वाला एंगल हमने वाई मान लिया, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस थीटा प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 90 डिग्री। तो यहाँ से हम एक्स प्लस वाई को कितना बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई को बोल सकते हैं हम 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक्स प्लस वाई को हम कितना बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा। ये सवाल तीन तरीके से बन सकता है आपके पेपर में, ठीक है, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड देगा, एक स्केलन ट्राइंगल की साइड देगा, ठीक है, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड देगा, या फिर कोई एक एंगल दे देगा। हाँ दिमाग खोलने वाला सवाल है। देखो इन सवाल को जल्दी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी अगर आपको एक स्क्वायर दिया हो या ऐसा कोई अपने पास डायग्राम हो जिसमें एक एंगल कॉमन हो एक साइड कॉमन हो, तो इस ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर अगर ला करके यहाँ मिला दें इस तरीके से, ठीक है, मतलब हमने क्या किया, ये जो ट्राइंगल था इस तरीके से लेटा हुआ था, ठीक है, इस तरीके से ये जो ट्राइंगल था लेटा हुआ ए बी और पी, ठीक है, ये 90 था,
ये ए बी स्क्वायर की साइड है और ये अपना एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है। ये अपना एंगल क्या है, एक्स है, और ये पी भी अपने पास कितना है, 12 है। पी भी अपने पास कितना है, 12 है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, इस ट्राइंगल को हमने इस तरीके से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए है, और ये अपने पास क्या है, पी है। मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ए बी इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ये अपने पास एंगल एक्स है, बस आप समझते जाओ, ठीक है। ये बी पी कितना है, 12 है। मतलब इस ट्राइंगल को हमने रोटेट करके यहाँ चिपका दिया, ठीक है। हाँ, शिफ्टिंग मेथड, इसको हमने यहाँ उठा करके यहाँ कर दिया। तो इसको हम सी भी बोल सकते हैं, इसको हम ए भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा था, ए, ये बी है अगर, तो ए को यहाँ लाए हम, और ये क्या हो जाएगा, मेरा पी हो जाएगा। और बी पी अपने पास कितना था, 12 था, ठीक है। बी पी अपने पास कितना था, 12 था। और अगर ये एंगल एक्स था, तो ये वाला एंगल भी अपने पास कितना है, एक्स है, ठीक है। और हमें पता है कि एक्स प्लस वाई कितना है, 90 माइनस थीटा। मतलब जो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल होगा, ये कितना होगा अपने पास, 90 माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा समझते जाना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक। फिर आप अगला सवाल आप सॉल्व करके बताना इसी तरीके का, दो सवाल लेकर के आऊँ मैं, ठीक है। सबसे पहले इस ट्राइंगल में आप देखो, बस इतना ही आपको करना था। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है अपने पास बी पी और क्यू, ठीक है। इसमें ये 5 है, ये 12 है, और ये अपने पास कितना है, 13 है। आप जानते हो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये एंगल हमने कितना माना हुआ है, थीटा। तो अगर मैं इसमें साइन थीटा पूछूं, इस ट्राइंगल में साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, 5/13। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा अपने पास 12/13, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अपना, 12/13। गुड इवनिंग अमन, ठीक है। साइन थीटा निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है साइन थीटा निकालने में। इसको साइन थीटा बराबर क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल है, लगा सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इतना निकाल करके हमने रख लिया इस सवाल में, ठीक। तो अगर इतना आपने कर लिया, तो फिर अब सवाल आपके लिए कुछ नहीं बचा। अब ये जो ट्राइंगल देखो आप, जहां पर हमें आंसर निकालना है, ठीक है, जो हमने ट्राइंगल शिफ्ट करके बनाया, ये अपने पास बी है, ये अपने पास क्यू है, ये अपने पास पी है, और यहां अगर हमें ये जो परपेंडिकुलर है, अगर इस ट्राइंगल की हाइट मिल जाए, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मिल जाए, तो जो परपेंडिकुलर है, या तो ये सी बोल सकते हो या ए बोल सकते हो, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का, वही इस स्क्वायर की क्या है, अपने पास साइड है, ठीक है। बी क्यू कितना है अपने पास, 13 है। ये अपने पास 13 है, और ये अपने पास कितना है, 12 है, ठीक है। गुड इवनिंग सौरभ। ये बी क्यू अपने पास 13 है, बी पी अपने पास कितना है, 12 है। हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये पूरा एंगल अपने पास कितना है, एक्स प्लस वाई था, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, 90 माइनस थीटा है, ठीक है। एक्स प्लस वाई कितना है, 90 माइनस थीटा। अब आता है असली काम, ठीक है। अब आप देखो यहां से, मुझे समझाने में बस टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सवाल बिल्कुल टाइम लगाने वाला नहीं है, अगर आपको शिफ्टिंग करनी आती है, ठीक है। शिफ्टिंग मैंने बता दी कि ये तभी कर पाओगे जब साइड इक्वल हो और एंगल इक्वल हो, ऐसा नहीं कि किसी में भी कर रहे हो आप, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर में कर पाओगे शिफ्टिंग, या साइड इक्वल हो और एंगल इक्वल हो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, अगर मैं इसमें पूछ रहा हूं, तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं हम, हाफ इंटू क्यू पी इंटू बी सी या बी ए, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू पी, और हाइट क्या आ जाएगी अपने पास, बी सी। इज इक्वल टू, इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ इंटू साइन रूल लगा करके, ये दोनों साइड और उनके बीच का एंगल, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 13 × 12 इंटू साइन 90 माइनस सीटा। साइन 90 माइनस सीटा क्या हो जाएगा, कॉस सीटा हो जाएगा, और कॉस सीटा की वैल्यू हमने पहले से निकाल करके रखी है, कितनी है, 12/13। तो 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी सी। बी सी कितना आ जाएगा मेरे पास, हो जाएगा 13 × 12 × cos थीटा। कॉस थीटा कितना है मेरे पास, 12/13, 13 से 13 कट गया, ठीक है। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा अपने पास, क्यू पी आएगा, हाँ, हाफ ए बी साइन थीटा क्यू पी। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा मेरे पास, बी सी आ गया 144/BP, ठीक है। आज के सेशन में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, नींद उड़ जाएगी आपकी। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 144/BP। अब बी पी कैसे निकालेंगे, ये सॉरी बी पी नहीं, क्यू पी, क्यू पी कैसे निकालेंगे बताओ, कोई बता सकता है क्यू पी कैसे निकालेंगे। अभी तक ये सवाल मैंने इसलिए लाए ताकि आपका जो ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है वो आपका रिवाइज हो जाए एक बार। अगर हमें किसी ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल पता हो, ठीक है, तो कौन सा रूल लगाते हैं, कोसाइन रूल। तो अगर इस ट्राइंगल में हम कोसाइन रूल लगाएं,
तो इसमें लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा जो कि हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 13 का स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ें पता हैं, ठीक है, माइनस इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 × 13 × 12। ठीक है, अब साइन थीटा कितना है अपने पास, साइन थीटा को यहाँ से लिख देते हैं कितना, आज भले हम कम क्वेश्चन कर पाएं लेकिन आज हम बहुत अच्छे सवाल करेंगे। साइन थीटा कितना है अपने पास, 5/13। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो 12 × 24, 24 × 5 कितना आ गया अपने पास, 12 × 24, 24 × 5 कितना आ गया अपने पास, 120। 120 इज इक्वल टू क्या आ गया, 13² + 12² - QP², ठीक है। तो यहाँ से हम क्यू पी की वैल्यू क्या ले सकते हैं, तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हाँ यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बी सी निकालें तो बी सी अगर आ गया तो आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय कितना, यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्यू पी कितना हो जाएगा, क्यू पी को लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्यू पी को लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये ले जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो 12 × 24 × यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा कितना, अगर यहाँ से देखें तो एक मिनट और लिख लेता हूँ मैं, क्यू पी की वैल्यू लिख लेता हूँ, क्यू पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे पास 13² + 12² - कितना हो जाएगा 2 × 12 × 5, ठीक है। तो क्यू पी कितना आ गया मेरे पास, क्यू पी आ गया रूट के अंदर इतना, क्यू पी को सॉल्व कर लेते हैं, 13² इन दोनों में से 12 कॉमन ले लेते हैं, तो 12 यहाँ बचेगा, 12 यहाँ बचेगा, 5 × 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 13² = 169, और ये हो जाएगा 12 × 24, 24 अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 193 आ जाएगा ना। तो जो क्यू पी की वैल्यू आई वो कितनी आई, रूट के अंदर 193 आई। तो ये मेरा इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन छुप गए सारे ना, ऑप्शन क्या है अपने पास, डी है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर अपना कितना आया, डी आया। तो एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि हमने क्या किया, ठीक है, यहाँ तक देख लो, कोई भी डाउट हो इस सवाल में एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे कि हमने क्या किया इस सवाल में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऊपर से निकल गया होगा और उन बच्चों के ऊपर से नहीं निकला होगा जिन्होंने साइन रूल के सारे सवाल किए अपने साथ, ठीक है, कोसाइन रूल के सारे सवाल किए। अगर आपको वो चीज़ें आती हैं तो फिर आपको कोई इस सवाल से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें बताओ कोई डाउट है या फिर मैं एक बार और आपको बताऊं। यस और नो आप कमेंट में लिख दो, अगर आपको समझ में आए तो, नहीं आए तो, ठीक है। चलें अगले सवाल पे, अगला सवाल आप सॉल्व करके बताना, ठीक है, अगर सबको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नो डाउट, वेरी गुड। तो सवाल बिल्कुल कठिन नहीं था, बस हमें यह है कि हमने कितनी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, ठीक है। तो कभी भी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से ट्रायंगल बने तो आपको दिमाग यहीं पर लगाना है, ठीक है। अब यह सवाल आप सॉल्व करके बताओ, बिल्कुल उसी तरीके से सवाल है, मैं आपको दे रहा हूँ इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 40 सेकेंड, ठीक है। इस सवाल को आप सॉल्व करके बताओ, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है अपने पास, पॉइंट एम एंड एन विदाउट शिफ्टिंग के बन सकता है लेकिन बहुत लेंदी होगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, फिर हमें लगाना पड़ेगा कुछ साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना, ए प्लस बी। देखो विदाउट शिफ्टिंग के भी बन जाएगा इसका, ये हमें लगाना पड़ेगा साइन या कॉस का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई प्लस थीटा का, ठीक है। तो वो सारी इसमें भी हमें फिर साइन ये वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगा, ठीक है। तो बन वैसे भी सकता है, नहीं, अगर देखो इस तरीके से तीन टाइप के सवाल बनते हैं। ये थोड़ा सिंपल है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल की साइड दी है, ठीक है। इससे थोड़ा सा कठिन हम अगला सवाल करने जा रहे हैं जिसमें हमें स्केलिन ट्राइंगल दिया होगा। शिफ्टिंग बेस्ट मेथड है, करने को आप वैसे भी कर सकते हो कि इस ट्राइंगल में आप पूरे में साइन ए थीटा प्लस एल्फा प्लस एक्स प्लस वाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो साइन या कॉस एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा, उससे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो वैसे ना करें, इस तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए तो मैं इतना दिमाग लगा करके आपको समझा रहा हूँ। इस सवाल को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आप शिफ्टिंग मेथड से नहीं लगाओगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
इसका आप आंसर ये सॉल्व करके बताओ आप खुद से फटाफट से। कह रहा है ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एम एन एंड आर ऑन साइड्स ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, इफ एम एन इज इक्वल टू 13, एम सी इज इक्वल टू 15, एन सी इज इक्वल टू 14, देन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। तो ए बी सी डी की हमें साइड बतानी है, एक स्क्वायर है अपने पास, उसकी साइड हमें बतानी है कि साइड की लेंथ क्या होगी। बताओ फटाफट से। हाँ चलो इसका आंसर बताओ फटाफट से, क्या आंसर आएगा इसका। यहां पर फिर से अपने पास ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है अपने पास, एम और एन ए बी और ए डी पर है, ठीक है। तो इस बार ए बी पर एम है और ए डी पर एन है। एम एन अपने पास कितना है, एम एन हमें दे रखा है 13, ठीक है, एम एन अपने पास 13 है। एन सी यहाँ से इसको मिला देते हैं एन सी और यहाँ से इसको मिला देते हैं एम सी, ठीक है। तो एम सी अपने पास कितना है 15 और ये कितना है अपने पास 14, ठीक है। हमसे पूछा गया है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी की साइड क्या होगी, अब बताओ इसको फटाफट से, ए बी सी डी की साइड क्या होगी। अब यहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं दे रखी है, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये जो ट्राइंगल होता है जिसकी साइड 13, 14, 15 होती है, बहुत स्पेशल ट्राइंगल होता है, इसके बारे में आप कुछ चीज़ें समझ लो। अगर ये अपने पास 13 है, ये अपने पास 14 है, ये अपने पास 15 है, ठीक है, हमने यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, इसको समझ लो इस ट्राइंगल को, तो अगर हमें इसकी हाइट निकालनी हो, अगर ट्राइंगल आपको कभी भी 13, 14 और 15 का दे रखा है, तो अगर हम इसकी हाइट निकालें तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू हाफ, या इसका अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, हीरो का फॉर्मूला है ना, हीरोज फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें तीनों साइड पता है, ठीक है। एक तो एरिया हम ऐसे ले सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और एक एरिया हम ऐसे ले सकते हैं कि रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, 29 और 13 कितना आ जाएगा, हाँ 42, 42 का आधा कितना आ जाएगा 21, 21 ये 7 हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 6। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका एरिया मिलता है 84, तो याद रखना कुछ चीज़ें, ठीक है, इसका जब सॉल्व करोगे तो एरिया 84 आएगा, तो ये 14 से कट जाएगा 6 बार, तो एच बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 12, मतलब इस ट्राइंगल की हाइट अपने पास कितनी आती है, 14 आती है, ठीक है। अब मैंने हाइट क्यों निकाल ली, अब अगर ये हाइट 12 आ गई, ये हाइट मैंने क्यों निकाली, क्योंकि पिछले वाले सवाल में तो राइट एंगल ट्राइंगल था, वहाँ पर साइन और कॉस लगाना बहुत आसान था, यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा अगर साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है तो, है ना। अगर यहाँ पर हमें देखेंगे हाइट कितनी मिल गई 12, तो अगर ये 12 है, ठीक, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 12 है, ये 15, ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5 आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर हम इसको थीटा मानते हैं ना, अगर ये अपने पास थीटा हो जाता है, ठीक, इसको हमने थीटा माना, कौन से वाले को थीटा माना, 14 और 15 वाले को, इस वाले को थीटा माना, तो अगर यहाँ से हम साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मतलब 12/15 मतलब कितना आ गया 4/5, ठीक है। और अगर हम कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा अपना 3/5। यहाँ तक देख लो, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, पिछले वाले सवाल ज़्यादा सिंपल था क्योंकि वहाँ पर हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया था, वहाँ पर हमें ये मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो आप याद रखना कि अगर ट्राइंगल 13, 14, 15 की साइड का है तो उसका एरिया आप याद रखो 84 आता है, हाइट कितनी आती है उसकी 12, और जो हाइट 12 होती है वो इसको दो राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड कर देती है, एक तो 9, 12, 15 में और एक 5, 12 और 13 में, ठीक है, ये याद रखो, आगे भी काम आएगा आपके पेपर में, ठीक है, बहुत बार एसएससी 13, 14, 15 की साइड देता है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा ये मिल गया, कॉस थीटा ये मिल गया, आप जानते हो ये अपने पास 90 है, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये 90 है अपने पास, हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे इसको, उठा करके शिफ्ट कर दो फटाफट से, तो इस वाले ट्राइंगल को हम यहाँ पर चिपका देंगे, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हमने इस तरीके से यहाँ पर चिपका दिया, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी लगा, चलो हाँ, क्योंकि वो पहला सवाल था ना, फिर दूसरा सवाल तो समझ में आता है। तो ये अपने पास सी है, ये बी बोल सकते हो इसको या फिर डी बोल सकते हो, और ये क्या हो जाएगा अपने पास एन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 15 था,
ये 15 है और ये अपने पास कितना है, 14 है। हमें ये पता है कि अगर ये एंगल एक्स होगा तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा, अगर ये वाई है ये वाला, तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना आना है, 90 माइनस थीटा आना है। ठीक है, तो अब जो ट्राइंगल है इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब जो ट्राइंगल है इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, अगर याद है तो अच्छा लगेगा, ठीक है, और नहीं याद है तो फिर क्या है, लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ अगर हम देखें तो ये अपने पास सी, ये एम और ये अपना एन, ठीक है। यहाँ से हमें इस परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। परपेंडिकुलर मतलब इसको आप बी भी बोल सकते हो, आप डी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये अपने पास कितना है, 15 है, ये अपने पास कितना है, 14 है, और ये एंगल कितना है मेरे पास, 90 माइनस थीटा, ठीक। तो इसमें हम एक बार क्या लगाएंगे, एक बार लगाएंगे हम इसका एरिया लिखेंगे, हाफ इंटू एम एन इंटू कितना बी सी, हमें बी सी की लेंथ निकालनी है, बी सी बोलो या सी डी बोलो, बराबर एक बार लगाएंगे इसमें हम क्या, साइन रूल। साइन रूल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 15 इंटू 14 इंटू साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है अपने पास, 3/5, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, 5 से कितना कट गया, 3 बार कट गया। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमें निकालनी है बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, इसको हम लिख लेते हैं 9 × 14 डिवाइड बाय कितना, ये हो जाएगा अपने पास एम एन, है ना। तो अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एम एन की, ठीक है। तो एम एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, कोसाइन रूल लगा करके। धीरे धीरे मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। मतलब ये आ गया अपने पास 126 अपॉन में कितना, एम एन, ठीक है। तो न्यूमरेटर 126 है, एम एन की वैल्यू निकालनी है। एम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसाइन रूल लगा करके। तो यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा लिखें तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास 15 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, एम एन का स्क्वायर अपॉन में कितना, 2 × 15 × 14, ठीक है। तो ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा हमने निकाल करके रखा है कितना है, 4/5 है, बराबर हो जाएगा अपने पास 15 का स्क्वायर। मैं आपको हर एक चीज़ सॉल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस का एम एन स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 2 × 15 × 14, ये 5 से जाएगा कितने बार, 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3 × 6 × 4 = 24, 24 × कितना 14, बराबर कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर - mn²। तो यहाँ से अगर हम एम एन की वैल्यू निकालेंगे तो एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर 15² + 14² - 24 × 14। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि इन दोनों में से 14 कॉमन ले लूँगा, तो ये बचेगा मेरे पास कितना, 14 - 24 कितना आ जाएगा, माइनस का 10, 140, 225 में से 140 जाएगा कितना बचेगा अपने पास, 225 में से 140 जाएगा कितना बचेगा अपने पास, 85, ठीक है। 85 बच जाएगा, मतलब एम एन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, रूट के अंदर 85 आ गई, ठीक है। तो ये अपने पास बी सी आ जाएगा 126 अपॉन में रूट के अंदर 85। यही अपनी इस साइड की स्क्वायर की साइड है कितनी, 126 अपॉन में कितना, √85। तो आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल का, बी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर एंगल दिया, अच्छी बात है, अगर हमें ये एंगल दिया होता तो बहुत अच्छी बात थी, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो। अगर एंगल नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो बहुत बेहतरीन सवाल थे आज की क्लास के। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। इस सवाल को फटाफट सॉल्व कर दो, मुझे पता है आज थोड़ा सा ओवरडोज हो गया, ठीक है, इसलिए बस इसी सवाल के साथ आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आपको फिर से देखना पड़ेगा ये सेशन, ठीक है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ओ इज एनी पॉइंट इन साइड इट, बी ज्वाइन ऑल वर्टेक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, देन ए ओ इज 3, बी ओ इज 5, ओ सी इज 7, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ डी। तो आप सबकी खुशी के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करके बता दो, ठीक है। तो आज हमने भले कम क्वेश्चन किए हैं लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू भाई, ये टैबलेट से नहीं होता, ये होता है नेटवर्क से, ठीक है। वाईफाई अगर अच्छा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो इसको तो सॉल्व कर दो फटाफट से, ये अपने पास एक स्क्वायर है, इसको तो सब लोग सॉल्व कर देंगे। अब तो खुश हो जाओ,
डर रहे थे अभी तक, आधे बच्चे तो डर गए होंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे। ठीक है, डरना नहीं है। तो ए बी सी और डी, थोड़ा सा आपका दिमाग खोलने की कोशिश करते हैं ना। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक स्क्वायर है अपने पास। ठीक है, वो कह रहा है कि कोई पॉइंट है, ओ इज एनी पॉइंट, और हमने इसको इससे मिला दिया। ठीक है, हमने इसको इससे मिला दिया, चारों वर्टेक्स से इसको मिला दिया हमने। ठीक है, और ये अपने पास ओ है, ए ओ अपने पास 3 है, बी ओ अपने पास 5 है, ओ सी अपने पास 7 है। हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ ओ डी, ओ डी की लेंथ है बतानी, फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ भैया, बताओ, ये अपने पास 3 है, ये 5 है, ये 7 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ओडी, ओडी की लेंथ बता दो फटाफट से क्या आएगी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, कल मैंने इसको सॉल्व करके आपको ये शायद कंडीशन एक बताई होगी, है ना, जब हम स्क्वायर का बेसिक देख रहे थे तो हमने वहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस किया था। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि अगर कोई स्क्वायर है, अगर कोई स्क्वायर है कि इसके अंदर ये डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, अगर ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ए फोर है, तो ए वन प्लस ए थ्री बराबर क्या होता है, ए टू प्लस ए फोर होता है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है सही, इसका तो सभी आंसर दे देंगे ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड सतीश, आकाश, अभिषेक। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से अगर ये ए बी सी डी है तो हमने पढ़ा था कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल, प्रॉपर्टी ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम लगाएंगे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अपोजिट जो साइड होती है, ओ ए के अपोजिट कौन सा है, ओ सी है, इनको ऐसे याद रखो, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ओ सी कितना है, 7, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ओ बी कितना है अपने पास, 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस ओ डी स्क्वायर ये आ जाएगा 24, और 9 कितना, 33, 33 इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, रूट के अंदर 33। ठीक है, तो आंसर इस वाले क्या हो जाएगा अपने पास, रूट के अंदर 33 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी स्टूडेंट को। तो स्क्वायर के जो ज्योमेट्री के सवाल थे, आधे से ज़्यादा तो हमने कर लिए थे कहाँ पर, जब हम सिमिलरिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो थे, जो अच्छे अच्छे सवाल मुझे लगे तो वो मैंने यहाँ पर करा दिए, कोई सवाल नहीं छूटेगा चाहे वो कहीं भी पूछा गया हो। ठीक है, आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रह पाएगी। ठीक, बस आप इस सेशन को रेगुलर अटेंड करो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे पता है कि थोड़ा सा ओवरडोज हो गया जो पिछले 2 3 4 सवाल हमने किए। ठीक है, तो उनको एक बार समझना आप फिर से, हम मिलेंगे कल की क्लास में, कल हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल और देखेंगे स्क्वायर के, स्क्वायर अभी छोड़ते हैं क्योंकि स्क्वायर के बाकी सवाल फिर मेंसुरेशन में क्या पढ़ेंगे ना, तो मेंसुरेशन के सवाल अभी छोड़ देते हैं, एरिया वाले, ज्योमेट्री के जितने सवाल है मैंने करा दिए, इसके बाकी सवाल अगर आपको देखना है तो इसके बाकी सवाल आपको मिलेंगे जब हमने पढ़ी थी सिमिलरिटी। ठीक है, जो ट्राइंगल का सेशन नंबर 3 या 4 होगा, वहाँ पर हमने इसके स्क्वायर के और सवाल डिस्कस किए थे, तो अगर आपको स्क्वायर के और सवाल की प्रैक्टिस चाहिए तो आप जो ट्राइंगल का सेशन 4 है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आपको स्क्वायर के और क्वेश्चन मिल जाएंगे कैसे बन सकते हैं आपके पेपर में। ठीक है, अभी हम सिर्फ ज्योमेट्री की जितनी चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, बाकी हैं तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन फिर वो मेंसुरेशन में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा मुझे सीट भी अपलोड करनी है, ठीक है, मैं सीट अपलोड कर दूंगा, पीडीएफ कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल शाम को 6 बजे रेक्टेंगल के साथ, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय।